तो फाइनली खाने का लायक हो चुके हैं। वाह, तो गाइस फाइनली आ चुके हैं लॉन्स स्नेल के साथ। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नए वीडियो पर। सो गाइस आज फिनिश कर देंगे स्नेल। ये मैं इसे मौत की घात में उतार दूंगा, जितना ही स्नेल का पूंछ ना काट काट का फिनिश कर दूंगा। उसका बाद कुकिंग करके खाएंगे। किसके साथ खाएंगे? एली पेन एप्पल के साथ। तो अभी इसको पहले खा देते हैं, इसी में पकाएंगे ना। हाँ। और इसका साथ और इसका चटनी खाएंगे। और क्या क्या खाएंगे? मूली सब्जी खाएंगे। मूली और लौकी। लौकी तो ठीक है। कैमरा कैमरा वोमन बन। तो मैं ये ना परसों गया था, तो एक्चुअली वो हम लोग के पास वो बड़ा पन्नी नहीं था, इसलिए मैं छोटा सा पन्नी से लेकर आया। मतलब जगह मतलब कम था, इसी का हटाओ हो यहाँ से। अरे पत्थर में नहीं देखे, दवा लेकर तुम हो सकते हैं। पूरा खा देंगे, बहुत डालेंगे मिर्ची, इतना डालेंगे मिर्ची, इतना डालेंगे मिर्ची, पूरा शाम को या सुबह पूरा लाल हो जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, सब खा देंगे। बहुत बड़ा है ये ना, बहुत बड़ा बड़ा है। तो पूंछ को खाते हैं तो किस कर करके निकालना से ना बहुत अच्छा होते हैं। ये ना बहुत बड़ा बड़ा स्नेल। तो गाइस आप लोग ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं कमेंट करके बताना। तो ये सिर्फ डायन की तरफ में ना वो 90 रुपया ये 100 रुपीज बिकते हैं पर किलो। तो आपके वहाँ पर खाता है कि नहीं खाता है ये बताना कमेंट करके। और मैं गया था पिछले साल आसनसोल में, वहाँ पर तो बिक रहा था ये ऐसे वाला, काफ़ी बढ़िया बढ़िया है और बड़ा बड़ा है। और थोड़ा होता तो क्या बोल रहा हूँ। पूरा किस मार मार कर निकालेंगे। पहला किस है ये सबके लिए। हमारा यहाँ के लोग बहुत लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। ये नहीं खाते है बोल रही जी। पूरा दोस्तों बढ़िया से साफ सुथरा करके वॉश कर दिया हूँ। वाह, ऊपर मस्त लग रहे हैं। ये खाएंगे लेकिन बहुत ही कम है, फिर भी खाएंगे। तो खाने का मन था इसलिए तो मैं छोटा सा पनीर लेके आया था ना, पतला वाला, इसलिए नहीं तो बहुत सारा लेके आया था और बहुत सारा लेके आया था। तो खाने के लिए समय भी लगते हैं और बस थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा काम चलेगा आराम से। फिर आकर फिनिश करेंगे, उसके बाद काम पे लग जाएंगे अपना अपना काम पे। और बारिश हो रहा है तो बारिश होने से ना वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो बहुत तरह तरह बारिश होते हैं और ऐसे भी बहुत ठंड लगता है यार। यार नहीं तो और जाता मैं फिशिंग के लिए, स्नेल पकड़ने के लिए, तो नहीं जाएंगे और धूप होने से जाऊँगा। तो अभी इसको काटते क्लाइंग काटते कम्प्लीट हो गया, वॉश भी कर दिया हूँ। और अभी एलिफेंट एप्पल के खाता करना पड़ेगा। एलिफेंट एप्पल के साथ फिनिश कर देंगे गाइस, इसके साथ खाएंगे। और एलिफेंट एप्पल और उसके साथ बहुत मस्त होते हैं ये, बहुत डालेंगे मिर्ची पर लाल करके। बहुत बड़ा मोटा है ये एलिफेंट एप्पल और मीठा भी होगा यार। कीड़ा मकोड़ा खाया इसे, मीठा भी होगा ये। मुझे तो खट्टा पसंद है, ये मीठा है ये एलिफेंट एप्पल। सर गया पूरा मीठा का बदबू रहा है, सुगंध रहा है पूरा मीठा मीठा। तो फिर भी रहा नहीं जाता है, फेस्टिंग खाने का मन कर रहा है। और मिलता यार अगर कितना रहेगा। वाह, ऐसे खत्ता करते हैं, ऐसे इसको रखते हैं, उसके बाद मिला देंगे। गिर गया, दो गिरी। और मैं फाइनली इतना काट कर रख दिया हूँ, तो इसके साथ मिक्स कर देंगे।
स्नेल करी के साथ और वहां पर डालेंगे बासिल लिप डालेंगे मिर्ची बहुत ज्यादा डालेंगे और यहां पर वाइप हुआ मिर्ची तो कोद रही है तो बहुत खाते हैं हम लोग मिर्ची और यहां पर कुकिंग हो रहा है मूली ये बॉयल है बॉयल ये और यहां से थोड़ते हैं बासिल लिप्स Yeah! तो बस लिप्स तो बुढ़ा बुढ़ा हो रहा है तो मैं मुझे यहाँ से कुछ जवान जवान पार्ट लेके जाना पड़ेगा ये तरह जवान है ये भी जवान है ये भी जवान है ये भी जवान है और यहाँ पर भी कुछ हिस्सा पे जवान मिल रहा है तो ये तो बुढ़ा बुढ़ा है बासिल और इस तरह पे बढ़िया बढ़िया हैंडसम हैंडसम जवान जवान प्लाफिस बासिल लिप्स फिनिश कर देंगे बहुत बढ़िया होता है ये बहुत बढ़िया पूरा स्पाइसी करके खाएंगे ये होता है हम ट्रेडिशनल स्पाइसी पट्टा बासिल लिप्स तो सदियों से खाते आ रहा है ये फिनिश कर देंगे गाइस आज नहीं छोड़ेंगे सब खा देंगे लेकिन बहुत कम है फिर भी खा देंगे स्नेल दिरापीस यहाँ पर है इलिपन एप्पल काट के रखे हैं और यहाँ पर है बड़ सब्जी यस लुकेल सरसों की तेल नमक हल्दी देगा या पूरा लाल और चाहिए मिर्ची या ताकि पूरा सुबह सुबह लाल हो सके सुबह सुबह लाल वाह इतना ज्यादा मिर्ची दी राई पीस या बढ़िया मस्त मस्त या इलिपन एप्पल पूरा लाल हो गया इलिपन एप्पल पूरा लाल हो गया यार स्नेल या बढ़िया इतना बड़ा बड़ा स्नेल है यार अभी डालते हैं पानी यस 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 तो फाइनली खाने का लायक हो चुके हैं अभी डालते हैं यहाँ पर ग्रेवी राइस फ्लोर या हिला हिला के निकालेंगे बाहर बढ़िया मस्त हुआ हैंडसम वायर अभी देते हैं बासिल लिप्स या बढ़िया बढ़िया लोकल मसाला बहुत डला मिर्ची यार सुबह पता नहीं क्या होगा रनिंग होगा सुबह सुबह कंपटीशन मस्त हुआ यार पूरा खुशबूदार गाइस पूरा खुशबूदार हो गया बस खाने का लायक हो गया अभी वाह मस्त हो यार वाह एक तो निकाल चुका अभी मैं पूरा कुकिंग हो गया और इसे थोड़ा टेस्टिंग करते हैं बढ़िया हुआ मस्त है ये है स्नेल वाह तो गाइस फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर लॉन्स स्नेल के साथ इलिपन एप्पल मंता टमाटर की चटनी लौकी स्नेल यह है मूली बहुत बढ़िया हुआ यार पूरा मिर्ची ये है बासिल लिप्स हाँ
स्मेल क्रिस्पी। ओला मिर्ची बहुत चश्मा सब खा दूंगा। और दोस्तों फाइनली कॉफ़ी का कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं वो पूरा फुल वीडियो नहीं देखा यहाँ क्योंकि बहुत लोग बोरिंग होते हैं ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा होने से। तो अब इतना रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर से मतलब वो लाइसा का बीज को खाते हैं ना, तो वहाँ से वो तेल निकालते हैं, सरसों के तेल से बेहतर लगते हैं वो कंज्यूम करने के लिए, तो वो करेंगे और कुछ तो काम कर नहीं पाएंगे, नहीं तो पापड़ का खेत पे जाना था। और बारिश भी हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा एक दो बूंदे ऐसे करके भी गिर रहा है, तो उसी का वजह से हो नहीं पाएगा। तो गाइस अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, बारिश तो रात को थोड़ा थोड़ा हुआ था बस, और धीरे धीरे करके बारिश हो रहा है ना। तो स्नेल बस मैं खाया है और प्रियंका जी खाए हैं, सुषमा जी खाए हैं, और सबके सब तो नहीं खाया, बस हम तीनों लोग खाए हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं ही खाया हूँ स्नेल, और रेसिपी तो बहुत मस्त था, स्वादिष्ट था। अभी मैं जाऊँगा रेस्ट करने के लिए वहाँ पर पर बारिश हो रहा है, तो बारिश होने से ना सोने के लिए बहुत ही मज़ा आता है। इससे क्या सिंगल लोग के लिए नहीं होते हैं बारिश, तो ये कपल्स के लिए अच्छे होते हैं, अच्छा ऐसा होते हैं बारिश होने से। और किसान भाई के लिए ना एक तरफ से बहुत ही बढ़िया होता है वैसा बारिश, खेत हैंडसम होते हैं इसी के वजह से। और मुझे खपरा वॉश करना पड़ेगा, खपरा भी करके रखा हूँ, बाद में जाएंगे वॉश करने के लिए, पहले रेस्ट करते हैं गाइस। फाइनली रेस्ट करने के बाद में मेरा कपड़ा भी वॉश कर दिया हूँ, और मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से मार्केट की तरफ जाएंगे शायद, तो वहाँ पर जाके वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। सो गाइस आज के वीडियो को अभी फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों और गुड टाइम। तो दोस्तों आज का स्नेल की रेसिपी ना बहुत ही मस्त था और स्वादिष्ट था, तो मैं खाऊंगा और कभी दिन 20-25 दिन के बाद ही खाऊँगा। एक्चुअली वो सिर्फ हमेशा खाने से मतलब
अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए कभी कभी खाना है तो स्नेल का रेसिपी बहुत मस्त है। और दोस्तों मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट। खूब खाना, मेरा तरफ परफेक्ट खाना है और शाम होने वाला है ना, इसलिए वीडियो को अपलोड करके रखना पड़ेगा।